रायबरेली जिलाधिकारी के निर्देशन के बाद एक्शन में आया जिला प्रशासन। बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सड़क व चौराहे, अस्पताल, बने तालाब, हर तरह पानी ही पानी ही दिखाई देने लगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ईओ नगरपालिका ने लगभग 2 दर्जन से अधिक जगहों पर जल भराव से निपटने के लिए पाइपिंग सेट के जरिए पानी निकलवाने का अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पूरे जनपद में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरे शहर में लगभग 60% जगहों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। प्राइम के न्यूज के लिए राम भवन रायबरेली। यहाँ भी पानी भरा हुआ है, ऐसा मशीन लगा के यहाँ से हम पानी व्यवस्था कर रहे हैं। कई स्थानों पर हमारी मैनुअल ट्यूब लगी हुई है, नाली को निभा कर या मकानों से पानी का निकासी करा रहे हैं। मेन लाइन लाइन पर पानी इकट्ठा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आज लोग काम कर रही है और सब लोग काम करते हैं, उम्मीद है कि अभी आधे घंटे में स्थिति आ रही है। कल रात जो बारिश हो रही है, कई मोहल्लों में पानी घरों में चला गया है, इसके लिए जो हमारी टीम है राजस्थान की लगी है, नगर पालिका की टीम लगी हुई है, दूर से दूर सर्वे करवा रहे हैं। यहाँ तक कोई नुकसान हुआ है, जिनको डेयरी यात्रा के अंदर उन्हें सहायता दिलवा रहे हैं। अभी पहला प्रयास हमारा यह है कि जल निकासी कराई जाए, यहाँ जल भरा हुआ है, वहाँ जल निकासी कराई जाए, जल्दी से जल्दी जो है भराव हटा के बना।